वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज, एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ा, आई हैव सोल्ड द बाज। पर्टिकुलर रीजन ये गाड़ी बेचने का सिर्फ एक था कि मैं चाहता था मैं अपनी मम्मा और पापा की ख्वाहिश पूरी करूं। पूरी जिंदगी माँ बाप जो होते हैं ना, वो ना हमेशा हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और अभी भी दे न्यू इट कि मैं जो हूँ वो मतलब मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत बोला कि मत बेचो, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है। मैं 4 महीने में 13,000-13,500 चला चुका हूँ ये गाड़ी में, ठीक है। आप लोगों ने देखा मैंने कितनी बार इस पर ट्रैवल किया बाई रोड, वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई हैव एवर ओन्ड। तो बट द रीज़न, द ओनली रीज़न वॉज के अल्लाह पाक की तरफ से एक मौका आया और अल्लाह पाक ने सख्त दी कि मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, और मैंने कहा कि ये सही टाइम है। वो नई गाड़ी जो आएगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और बहुत अच्छी गाड़ी है वो भी। और अच्छा, वो बहुत ज़्यादा नई है तो शायद उसकी मॉड्स करते हुए मैं थोड़ा सा जो हूँ ना वो परेशान हूँ, और थोड़ा सा सोचना पड़े मुझे आपका उसकी मॉड्स करने से पहले। सो इन शॉर्ट, आई विल मिस दिस कॉकपिट अलॉट। मैंने इस गाड़ी को जितने दिल से बनाया ना, क्योंकि डेली ड्रिवन होने की वजह से, एक बात समझिएगा, जितनी गाड़ियाँ मैं बनाता हूँ या मैंने ओन की हैं, लेट्स से सुपरा मैंने 3 साल में 700-800 किलोमीटर चलाई होगी, कॉर्वेट मैंने 1 साल में शायद बहुत भी 500 किलोमीटर चला ली होगी, ठीक है। तो वो कम चलती थी ना, हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी ऐसे। ये मैं हर रोज़ चलाता था। इसमें मुझे हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए थी, क्योंकि मैं हर रोज़ चलाता था गाड़ी, मुझे कोई चीज़ अनपरफेक्ट लगती थी तो उसको इमीडिएट ठीक होना होता था। वो चीज़ अगर मुझे कोई मॉड इसमें चाहिए तो मुझे इमीडिएट चाहिए, क्योंकि मैं हर रोज़ चला रहा हूँ गाड़ी। मतलब आई डोंट थिंक सो अ रीवो कैन लुक दिस गुड, कोई भी रीवो पाकिस्तान की इतनी अच्छी लग सकती है। इंटीरियर इज़ लुकिंग सो परफेक्ट यार, माशाल्लाह, विद द स्टेयरिंग, एम्बियंट लाइटिंग एंड स्टार रूफ एंड एवरीथिंग। मतलब मीटर के साथ ये मुझे नहीं लग, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मीटर के साथ ये स्टेयरिंग इतना अच्छा बैठेगा, मतलब इस इंटीरियर पर इतना अच्छा लगेगा ना, ठीक है। मतलब इट्स गिविंग सो स्पोर्टियर फील ना, वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई हैव एवर ओन्ड। खैर, चलते हैं आपको भाइयों से मिलवाते हैं जिनको हमने ये गाड़ी दी है, और उनसे मज़ीद बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये गाड़ी, पर्टिकुलर रीज़न क्या था कि उनको ये गाड़ी पसंद आ गई और उन्होंने ली। और नई गाड़ी के बारे में अभी नहीं बताऊँगा, तो बताऊँगा अगली एपिसोड में, बताऊँगा नहीं दिखाऊँगा, मम्मा पापा के एक्सप्रेशन भी दिखाऊँगा, उनसे भी पूछेंगे उन्हें गाड़ी कैसी लगी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का बहुत करम हो गया, अल्लाह पाक का बहुत करम हो गया। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अभी चलते हैं, आपको मिलवाते हैं उन भाइयों से। बॉयज, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन, और हमारे साथ तमाम भाई मौजूद हैं, और भाई भाई गायब हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। और यार मुझे एक बात बताएं आप, पर्टिकुलर रीज़न सही है, मतलब मैंने बॉयज़ को बताया कि ये जो बॉय है ये हमारे पास बहुत दूर से आया है, तो क्या रीज़न था? काला रीवो, इस रीज़न क्या चाहिए? काला रीवो के अलावा क्या रीज़न था, पर्टिकुलर इस रीवो का क्या रीज़न था? दो तीन चीजें बोली हैं, अगर वो बॉय ने वो कर ली तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। बाबू तस्वीरें आ जाएंगी इंशाल्लाह, तस्वीरें आ जाएंगी, कुछ सिनेमैटिक्स दिखाते हैं आपको, कुछ मजीद बातें करते हैं, और फिर कहते हैं इससे टाटा बाय बाय गुड बाय। So boys, this is the final goodbye to the Baz. Baz will survive. Baz जिंदा रहेगा मनान भाई के पास, ठीक है। मनान भाई, Baz तो जिंदा रहेगा ना? जिंदा ही जिंदा है। Baz को मार तो नहीं देंगे ना आप? नहीं, मतलब मार एज इन के Baz की प्लेट जो है ना, वो जिंदा है। हमारे बॉयज के लिए Baz है, और Baz बहुत मशहूर है ना, तो Baz जिंदा है, Baz बेहतर ही होगा, इतना मैं मनान भाई से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। मनान भाई ड्राइव सेफ, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी जो गाड़ी है इंशाल्लाह इसकी अपडेट मैं मनान भाई से लूँगा और आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहूँगा, तो इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जयपैक बॉयज़, रेहान और जयपैक बॉयज़ दोनों को। और बॉयज़ फाइनल गुड बाय, Baz चला गया,
और मैं उम्मीद करता हूँ ये बाज हमेशा उड़ता रहेगा ना। क्या कहते हैं राही आप, बाज उड़ता रहना चाहिए ना, तो इतना दुख क्यों हो रहा है जानी। अबे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रो नहीं यार, अबे यार अराई कोई बात नहीं यार, अबे अराई रो नहीं यार, अबे अराई रो रहा है यार, अबे यार अराई अराई रो रहा है यार, देखो यार बॉयज यार यार अराई रो रहा है यार। बड़ी यादें थी। It's been a long day without you, my friend. कोई बात नहीं मुनी भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। आ रही तू? अबे यार आ रही नहीं करे यार। अबे नई वाली जो आएगी ना, दूसरी ले लेंगे दोनों भाई, पन्नियां फाड़ेंगे खुद से। ओ इन लोगों तो आई हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। अबे क्या हो गया, ये क्या गाड़ी 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार देना, समझा कर बात। बेची है मैंने सुपरा, बेचने पे नहीं रोए तुम लोग। फुल बंजारा हो गया ये जगह ना, दूसरी वाली यहाँ पे आनी पड़ेगी ना। देखो इन्हें एक हो गया, लगा दो दूसरा भी लगा दो, जल्दी जल्दी। आसमां से कूदे अंगड़ा, वाइट बॉडी कर दो गाड़ी, वाइट बॉडी कर, ये वाइट बॉडी रिवो टेढ़ी हो गई, कैम्बर हो गई आगे से। हंस दे फिसल कर खो न जाइए। यहाँ के लिए रील बनती है, हम आपको एक रील दिखाएंगे लेकिन नई गाड़ी आने के बाद। हाँ भाई अभी आप क्या करें, अब तो गाड़ी नहीं है, ये इसकी गाड़ी पे हम जाते थे, इसकी गाड़ी का अभी हम काम उतार चुके हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बची 20 रुपए की है। ये सबको नहीं बताना था भाई, बेचनी भी हमने। क्या हुआ बता के बेच देंगे यार। अच्छा चलो ओके, अब हमारे पास क्या है, ये 125। कहीं से आपको लग रही है ये 22 मॉडल की 125 है, कहीं से लग रही है 22 है, 21 है, 21 है ना, 22 है भाई, 22 का पहला महीना, 22 का पहला महीना, समझ रहे हैं, 22 का पहला महीना दिखाता हूँ आप लोग। क्या किया है मुनीब तूने? मैंने कुछ नहीं किया, 2 महीने। हाँ हाँ तू कभी कुछ नहीं करता है। 2 महीने से बाइक लॉन्च खड़ी थी। खैर बॉयज इन शॉर्ट हमारे पास अब है 125 जो है ना सवारी अगले कुछ दिनों के लिए। अपने भाई को रखिएगा दुआओं में याद, और अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे इस दिन तक पहुँचाया, यहाँ तक पहुँचाया, ये कर पा रहा हूँ। दुख बहुत ज़्यादा है लेकिन खुशी उससे ज़्यादा है, ठीक है। एंड लिटरली मुझे डाले से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो नई गाड़ी डाले के डबल पैसों की गाड़ी है, लेकिन वो मोहब्बत शायद उससे कभी ना हो पाए जो मुझे अपने डाले से हुई। तो खैर मिलेंगे अगले व्लॉग में, आपको दिखाएंगे वो गाड़ी और उसको हम लोग जो है ना क्या करेंगे, अनपैक करेंगे, अनपैक करेंगे इंशाल्लाह। लजीज़ नाम याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।